हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका स्वागत है फिर से हमारे चैनल में। तो आज हम आपके लिए एक और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू का सेशन लेके आए, जिसमें हम जो है वो कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे। आपको पता ही है कि जो भी JKSSB एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, उसमें जो साइंस का टॉपिक होता है, उसमें ये जो टॉपिक है हमेशा होता ही है, जिसमें उनने सोर्सेज ऑफ एनर्जी पूछा ही होता है। कई बार कन्वेंशनल पूछ लेंगे, कई बार नॉन कन्वेंशनल पूछ लेंगे, लेकिन सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो होता है वो टॉपिक होता ही है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम आपके साथ साथ जो है कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के ऊपर जो है वो डिस्कस करेंगे एमसीक्यू। तो वीडियो आज की बहुत मज़ेदार रहने वाली है। जो बच्चे नए इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलो। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत मैटर करती है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो ज़्यादा से ज़्यादा, और वीडियो को शेयर भी करो। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की एमसीक्यू का सेशन, और मुझे आप कमेंट सेक्शन में कोई भी क्वेरी होती है तो मुझे बताना, और अपना स्कोर ही मुझे मेंशन कर देना, ठीक है? ओके, चलिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नॉन रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब इनमें से कौन सा जो है वो नॉन रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी जो है, चार ऑप्शन में से है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए कह रहा है वुड, सेकंड कह रहा है सन, थर्ड कह रहा है फॉसिल फ्यूल, एंड फोर्थ कह रहा है विंड। देखिए, सबसे पहले आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या होते हैं। ठीक है, सोर्सेज ऑफ, आपको पता ही है, एनर्जी जहाँ से हमको एनर्जी मिलती है वो कोई भी हो सकता है, वाटर हो सकता है, विंड हो सकती है, ठीक है, लैंड हो सकता है, कहीं से भी जहाँ से आपको सोर्सेज मिलते हैं, जहाँ से आपको जो है वो सोर्सेज का आपको एक पाथवे मिलता है। तो इनमें से क्या है, अब नॉन रीन्यूएबल के हो गए जिनको एक बार हमने यूज़ किया, उसके बाद वो हमारे किसी काम के नहीं है, ठीक है, फिर से हम उसको रीयूज़ नहीं कर सकते। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल आपको पता ही है, जिन जो हमारे कोल, पेट्रोलियम्स हो, पेट्रोल हो गए, ठीक है, जिनको हमने एक बार यूज़ किया, फिर से हमारे यूज़ में नहीं आ सकते। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, देखिए, एसिड रेन हैपन्स बिकॉज, जो एसिड रेन होती है ना, आपको पता ही है कि अभी वर्ल्ड की जितनी भी कंट्रीज़ हैं, वो सब सभी कंट्रीज़ ने एक इनिशिएटिव लिया है, जिससे क्या वो चाहते हैं कि भाई पोल्यूशन को कंट्रोल किया जाए। एसिड रेन का सबसे बड़ा जो होती है वो उसके किसकी वजह से होगी, वो पोल्यूशन की वजह से। पोल्यूशन ही सबसे बड़ा रीज़न है एसिड रेन का, ठीक है, जिसकी वजह से टॉक्सिक जो पोल्यूटेंट होते हैं वो हमारे एयर में जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो बैलेंस होता है ना, नेचुरल बैलेंस है वेदर का, वो सारा ख़राब हो जाता है, क्लाइमेटिक बैलेंस जो है वो सारा डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से एसिड रेन होने के चांसेस होते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए कह रहा है सन हीट अप्स इन द अपर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ऑप्शन नंबर सेकंड कह रहा है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल रिलीज ऑक्साइड ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन एंड सल्फर इन द एटमॉस्फेयर। ओके, थर्ड कह रहा है इलेक्ट्रिकल चार्ज आर प्रोड्यूस ड्यू टू फ्रिक्शन अमोंगस्ट क्लाउड्स, एंड फोर्थ कह रहा है अर्थ एटमॉस्फेयर कंटेन एसिड। तो इनमें से राइट आंसर क्या होना चाहिए, मैं थोड़ा जूम भी कर देता हूँ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा फ्रेंड्स, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल रिलीज ऑक्साइड ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन एंड सल्फर इन द एटमॉस्फेयर। तो बी इसका राइट आंसर है। ओके, आगे चलते हैं। कुछ देखिए, फ्यूल यूज्ड इन द थर्मल पावर प्लांट, जो हमारे थर्मल पावर प्लांट में जो फ्यूल जो है वो यूज होता है वो क्या होता है, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं। वाटर, यूरेनियम, बायोमास या फॉसिल फ्यूल। जो हमारा फ्यूल यूज़ होता है थर्मल पावर प्लांट पे, वो हमारा क्या यूज़ होता है, वो हमारा फॉसिल फ्यूल ही यूज़ होता है, ठीक है, जो कि थर्मल पावर प्लांट को जो है वो रन करने में हेल्प करता है। तो डी इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन एन हाइड्रो पावर प्लांट, ठीक है, एक हाइड्रो पावर प्लांट में क्या होता है, ठीक है। अब देखते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। ए कह रहा है पोटेंशियल एनर्जी पोजेस्ड बाय स्टोर्ड वाटर इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी। सेकंड ऑप्शन कह रहा है काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय स्टोर वाटर इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। थर्ड कह रहा है इलेक्ट्रिसिटी इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम वाटर, एंड फोर्थ कह रहा है वाटर इज कन्वर्टेड इनटू स्टीम टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो जो हमारा हाइड्रो पावर प्लांट होते हैं ना, जो आपको पता ही है, जिनमें बड़े बड़े डैम्स होते हैं, उन वाटर को जो स्टोर करके रखा जाता है और उसको एक स्पीड से जो है वो उसको पास करवाया जाता है डैम में से, जिससे जो हमारी टरबाइन मूव करती है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ये सारा इसके पीछे एक साइकिल होती है, जिसको जो पूरा इसमें परफॉर्म कराया जाता है। तो अब क्वेश्चन यही पूछ रहा है, देखिए, जो हाइड्रो पावर प्लांट होता है ना, उसमें जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है ना, काइनेटिक एनर्जी जो होती है, ठीक है, उसको स्टोर उसको
मतलब किसकी फॉर्म में स्टोर होती है, वो स्टोर्ड वाटर की फॉर्म में वहाँ स्टोर होती है और उसको कन्वर्ट किया जाता है पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक है, एक हाइट होती है डैम की जहाँ से उस वाटर को जो है वो नीचे जो है वो फॉल करवाया जाता है, और जहाँ से वाटरफॉल होता है ना वहाँ पे नीचे एक टर्बाइन लगी होती है जो उस वाटर को मूव करती है। और वो इसका आंसर, राइट आंसर जो है वो यही होगा कि जो कनेटिक एनर्जी है पोजेस होती है स्टोर वाटर में, उसको कन्वर्ट किया जाता है किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक है, बी इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं, देखिए, विच इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, हमारे लिए अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है। देखिए ऑप्शन देख लेते हैं, ए वाटर, सन, यूरेनियम या फॉसिल फ्यूल। देखिए अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है कि जिसके लिए हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कोई एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, या ना ही हमें कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए, ना ही हमें कोई ऐसी चीज़ चाहिए जिससे हम उस एनर्जी को जो है वह अब्जॉर्व करें या उस एनर्जी को जनरेट करें फिर उसका अब्जॉर्व करें, तो वो क्या है, वो हमारे लिए क्या है, सन। आपको पता ही है सन जो है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो सन इसका राइट आंसर है। वाटर है, वाटर भी सोर्स ऑफ एनर्जी है, लेकिन हमको ऐसा कुछ डिज़ाइन करना पड़ता है जिसमें से हम क्या करें, वाटर को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ कर सकें। ठीक है, लेकिन जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है ना वो हमारे लिए क्या है, सन। ओके, अगर हम बायोलॉजी की मतलब हिसाब से बात करें ना, वाटर एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी के लिए नहीं होता लेकिन वाटर हमारे लिए बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है, वो अलग कंसेप्ट है। लेकिन इधर क्वेश्चन जिस हिसाब से पूछा ना उसका उसके हिसाब से आपका राइट आंसर होगा सन। ओके, आगे देखते हैं। यस, विच आर द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ एनर्जी लीड्स टू द लीस्ट इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इन द प्रोसेस ऑफ हार्नेसिंग एंड यूटिलाइजेशन। ठीक है, कौन से ऐसा फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसमें लीस्ट इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होती है, ठीक है, तो और हार्नेसिंग भी ज़्यादा होती है और यूटिलाइजेशन भी ज़्यादा होती है, तो क्या इसका राइट आंसर है। पहला आ रहा है न्यूक्लियर, सेकंड कह रहा है थर्मल, थर्ड कह रहा है सोलर, फोर्थ कह रहा है जियोथर्मल। तो देखिए कौन सी ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसमें से पोल्यूशन, हम एनर्जी जो है वो यूटिलाइज़ कर रहे हैं लेकिन उसके बदले में पोल्यूशन भी कम हो रही है और इन्वायरमेंट को भी कोई नुकसान नहीं हो रहा, और उसका भी जो राइट आंसर है वो हमारा क्या होगा, वो हमारा होगा सोलर एनर्जी। आपको पता ही है सोलर टर्बाइन लगा दिए जिससे इन्वायरमेंट को कोई नुकसान नहीं है, ठीक है, एक बार वन टाइम हमने उसको इंस्टॉलेशन करनी होगी, ठीक है, उसके बाद इन्वायरमेंट को कोई नुकसान नहीं होगा और जितनी ज़्यादा एनर्जी हम उससे अब्जॉर्व करेंगे और इन्वायरमेंट के पोल्यूशन में भी कोई उसका हाथ नहीं होता। ओके, आगे चलते हैं। देखिए ओशन थर्मल एनर्जी इज ड्यू टू, जो ओशन से हम एनर्जी लेते हैं ना, ओशन थर्मल एनर्जी होती है, ओशनिक जो वेव से एनर्जी हम प्रोड्यूस करते हैं वो क्या होती है, वो किस तरीके से हम जो है वो उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए कह रहा है एनर्जी स्टोर्ड बाय वेव्स इन द ओशन, सेकंड कह रहा है टेम्परेचर डिफरेंस एट डिफरेंट लेवल ऑफ ओशन, थर्ड कह रहा है प्रेशर डिफरेंस एट डिफरेंट लेवल ऑफ ओशन, एंड फोर्थ कह रहा है टाइड अराइजिंग आउट इन द ओशन। तो जो ओशन थर्मल एनर्जी होती है ना वो किसकी वजह से होती है, वो देखिए आपको पता ही ओशंस में जो करंट आती हैं वो किसकी वजह से होती हैं, ठीक है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर की वजह से होती हैं, ठीक है, विंड्स की मूवमेंट की वजह से होती हैं। तो जैसे जैसे टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन आती है उस तरीके से विंड की जो है वो मूवमेंट चेंज होती है, और जिस तरीके से विंड की मूवमेंट चेंज होती है उसी हिसाब से ओशंस में जो है वो करंट्स जो हैं वो अराइज होती हैं। तो इसका राइट आंसर है टेम्परेचर डिफरेंस एट डिफरेंट लेवल ऑफ ओशन। ओके, बी इसका राइट आंसर है। आगे देखते हैं, द मेजर प्रॉब्लम इन हार्नेसिंग न्यूक्लियर एनर्जी इज हाउ, तो जो मेजर प्रॉब्लम है ना न्यूक्लियर एनर्जी की हार्नेसिंग में वो क्या है। ऑप्शन देख लेते हैं, ए कह रहा है स्प्लिट न्यूक्लियाई, सेकंड कह रहा है स्प्लिट न्यूक्लियाई, सेकंड कह रहा है सस्टेन द रिएक्शन, थर्ड कह रहा है डिस्पोज ऑफ स्पेंट फ्यूल सेफली, एंड फोर्थ कह रहा है कन्वर्ट न्यूक्लियर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखिए मैं आपको एक इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ। आपको पता है जो फैक्ट्रीज़ है ना, जहाँ जहाँ फैक्ट्रीज़ लगी हैं वहाँ पे पोल्यूशन है, ठीक है, हालांकि वहाँ पे हम वो चीज़ें मतलब जो हमारे खाने की भी फैक्ट्री होगी ना, जो डेयरी की फैक्ट्री होगी या किसी भी ऐसी चीज़ की फैक्ट्री होगी जिससे जिसका जो अगर रॉ मटेरियल निकल भी रहा है ना, चाहे वो हमारे लिए हार्मफुल ना भी हो ना, लेकिन हमें एक पार्टिकुलर हमारे पास एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि जो रॉ मटेरियल जो वेस्ट निकलेगा उसको हम कैसे डिस्पोज ऑफ करें जिससे इन्वायरमेंट को भी कोई नुकसान नहीं हो। लेकिन जब हम बात करते हैं ना न्यूक्लियर एनर्जी की, जहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं, वहाँ पे जब हम न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं तो उसके बाद भी कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें डिस्पोज ऑफ करनी पड़ती हैं ड्यूरिंग दिस प्रोसेस में, जो हम चीज़ें यूज़ करते हैं उसको हमको डिस्पोज ऑफ करना पड़ता है।
और यही चीज़ प्रॉब्लम जो होती है वो आती है, ठीक है। और इसका राइट आंसर यही है, डिस्पोज ऑफ स्पेंट फ्यूल सेफली। ओके नेक्स्ट चलते हैं। विच पार्ट ऑफ द सोलर कुकर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट? आपने सबको पता होगा कि सोलर कुकर के बारे में आप सबको पता होगा, तो कौन सा पार्ट है सोलर कुकर का जो रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए? ऑप्शन ए कह रहा है कोटिंग विद ब्लैक कलर इनसाइड द बॉक्स, बी कह रहा है मिरर, थर्ड कह रहा है ग्लास शीट एंड फोर्थ कह रहा है आउटर कवर ऑफ द सोलर कुकर। तो सोलर कुकर के लिए ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट होती है? वो होती है हमारी ग्लास शीट। ग्लास शीट ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस, बायोगैस का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट सब बच्चों को पता होगा, जिनको नहीं भी पता प्लीज़ अभी देख लो, वो हमारा क्या होता है? मीथेन। ओके ये जो है वो इसका राइट आंसर है। तो ये थे आज के 10 क्वेश्चन जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। होप वीडियो बहुत अच्छी होगी, आप सबको अच्छी लगी होगी। इससे इसके अलावा भी हम बहुत सी वीडियोज़ लाएंगे डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर। और जो नए बच्चे देख रहे हैं वीडियो को, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो ज़्यादा से ज़्यादा, और वीडियो को शेयर भी करो। थैंक यू सो मच।